अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होप्स हो कि आप अच्छे होंगे और हमारे चैनल की रेसिपीज को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है इंस्टेंट क्रिस्पी जलेबियाँ। अब हम देखेंगे कि इसके लिए क्या चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले हम बनाएंगे शीरा, और शीरा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पानी और 2 कप चीनी। जिस कप में आपने पानी लेना है उसी कप के साथ आपने चीनी को मैयर करना है, यानी वो आपके पास 2 कप होनी चाहिए। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास सब्ज़ इलायची है और ये आपने लेनी है 3 कप। अब हम सबसे पहले शीरा बनाएंगे। अब हम इसके अंदर पानी को डाल देंगे। देन जो हमारे पास 2 कप चीनी थी हम वो इसके अंदर डाल देंगे और इलायची को। अब हम इसको 10 से 12 मिनट तक जब अच्छी तरह इसको हिलाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका शीरा बन जाएगा, यानी ये थिक फॉर्म में हो जाएगा। इसको हमने तब तक हिलाते रहना है जब तक ये थिक फॉर्म में ना आ जाए। अब ये हमारे पास शीरा जो है ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास थिक फॉर्म में है। जी व्यूअर्स, अब आप नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं कि मैंने इस कप के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो पानी लिया हुआ है, और ये मेरे पास है लेमन जूस जो कि है 1 टेबलस्पून, और देन ये है चीनी जो कि मेरे पास है 1 टीस्पून, और ये आप देख सकते हैं यीस्ट है, और इसको यानी खमीर इस ये मेरे पास है 1/2 टीस्पून। अब हम इन चीज़ों को इस कप के अंदर मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करके इसको हिला के इसको हमें अच्छी तरह हिलाना है, और मैक्सिमम हमने 20 मिनट के लिए इसको कवर करके साइड पे रख देंगे। तब तक हम जलेबी बनाने के लिए जो उसका मटेरियल है उसको इस्तेमाल करते हैं और उसकी डोसी बना लेते हैं। अब जो जलेबी के लिए हमने मिक्सचर बनाना है उसके लिए मुझे जो मैदा है वो 1 कप चाहिए, और ये आप देख सकते हैं बेसन है ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून, और ये है घी, लेकिन घी जो है ये हमारे पास मेल्ट हुआ होना चाहिए, और ये भी मेरे पास है 1.5 टेबलस्पून। देन आप देख सकते हैं ऑरेंज फूड कलर, यानी जो हमारे पास ये कलर है ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। अब हम इनको एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर बाउल में मैदे को डाल देंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे, और इसके अंदर बेसन को हमने डाल देना है। आफ्टर डैट हमने जो मेल्ट किया हुआ घी लिया था उसको डाल देंगे इसके अंदर, और लास्ट पे जो हमने ये फूड कलर लिया था ऑरेंज कलर का इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करना है, और इसको उतनी देर तक हमने मिक्स करना है जब तक कि ये क्रीमी शेप में ना आ जाए। तो देखिए व्यूअर्स, हमें इसको तब तक करते जाना है जब तक कि ये क्रीमी शेप में ना आए। आप देख सकते हैं जैसा कि ये हमारे पास इस फॉर्म में है, तो हमने जो ये खमीर और उसको भिगो के रखा था अब हम ये इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ना पड़ा रहने देंगे, और उसके बाद हम जलेबी बनाएंगे। आफ्टर 15 से 20 मिनट्स आप देख सकते हैं कि जलेबियों के लिए हमारा मटेरियल जो है रेडी है। अब हम इसको जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह की बोटल्स जो हैं ये केचप वाली आम मिल जाती हैं। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने मटेरियल को इस बोटल के अंदर डाल दिया। अब हम इसको बनाएंगे।
मैंने ऑलरेडी यहाँ पे घी डाल के रखा है गर्म होने के लिए। अब हम इसके अंदर ये डालना शुरू करेंगे। देख सकते हैं जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हम जलेबियों को घी में डाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि भाई ज़बरदस्त किस्म की बन रही है। आप देख सकते हैं ये हमारी मज़ेदार किस्म की जलेबियाँ बन चुकी हैं। इनका साइज़ मैंने ज़रा छोटा रखा है क्योंकि ये खाने में और डिश आउट करने में भी मज़ा आता है। तो ये देखिए, अब हमने जो शीरा बना के रखा था हम इसमें इसको अच्छी तरह डिप करेंगे और इसको यहाँ पे रखते जाएंगे। वन बाय वन हमने सारे को करना है डिश आउट इसके अंदर। तो हमने अच्छी तरह डिप करना है ताकि जो शीरा है इसके अंदर जज्ब होता है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी जलेबियाँ। अब इसके ऊपर जो है हमने ये जो मैंने बादाम दो तीन लिए थे इसके ऊपर हम काट के भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, हमें फीडबैक देना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।